उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का द्विवार्षिक चुनाव एवं अधिवेशन बुधवार को विकास भवन परिसर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला विकास अधिकारी डॉ. बब्बन उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि परियोजना निदेशक यशवंत सिंह, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय मंत्री शेखर श्रीवास्तव, शहीद एसोसिएशन से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। महासंघ के द्विवार्षिक चुनाव के तहत चुनाव अधिकारी जय गोविंद यादव के नेतृत्व में सर्वसम्मत से पंचायत विभाग के अखंड प्रताप सिंह को जिला अध्यक्ष, शिक्षा विभाग के पलटू प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मत्स्य विभाग के जफर इकबाल को मंत्री, पीडब्ल्यूडी विभाग के रामकरण को उपाध्यक्ष, शिक्षा विभाग के रविंद्र द्विवेदी को उपाध्यक्ष, पंचायती विभाग के हेमंत यादव को संगठन मंत्री, लघु सिंचाई विभाग के जयप्रकाश भारती को कोषाध्यक्ष, पंचायती विभाग के संतोष यादव को मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। चुनाव के पश्चात अतिथियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया, जिसके बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विकास अधिकारी डॉ. बब्बन उपाध्याय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से कर्मचारी हित में काम करने की उम्मीद जताई। वहीं नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि वर्तमान में कर्मचारियों की कई प्रमुख समस्याएं हैं, समय समय पर आंदोलन के माध्यम से उसे दूर कराने का प्रयास जारी रहेगा। मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी आदरणीय श्री दुखन उपाध्याय जी, परियोजना निदेशक डीआरडी आदरणीय श्री यशवंत सिंह उपस्थित है। हम इकाई संगठन हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे नव निर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर इनका सम्मान बढ़ावे और साथ ही आज के चुने हुए जितने पदाधिकारी हैं, श्री अखंड प्रताप सिंह, पलटू प्रसाद, रामकरण जी, रविंद्र द्विवेदी, जफर इकबाल, हेमंत यादव, संतोष यादव जी आकर मंच पर आ गए। तो उतने मदरी के एक्सपोजर को बता ये संगठन देखिए, इतना काम किया, उसका नाम है शपथ लेता हूँ कि संगठन की गोपनीयता एवं अखंडता बरकरार रखूंगा, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का, साथ ही जात भेदभाव भुलाकर कर्मचारी हित में कार्य करूंगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे मुझे शक्ति प्रदान करें। राज्य कर्मचारी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का आज यहाँ पर चुनाव था, और इसमें श्री अखंड प्रताप सिंह को इन लोगों ने अपना अध्यक्ष चुना है और इनके साथ और इनकी कार्यकारिणी का गठन किया गया है, और इन लोगों ने आज जो यहाँ पर शपथ लिया है कि हम लोग अपने जनपद के हित में, जनपद के भलाई को, जनपद के कार्यों को देखते हुए हम लोग कार्य करेंगे, और हमारे जनपद में जितने भी तरह की समस्या आती है, मैं समझता हूँ सफाई कर्मियों का हर में अच्छा योगदान रहता है, जैसे बाढ़ हो, कहीं दैवीय आपदाएं आती है, इस तरह के कार्यक्रमों में हमारे सफाई कर्मी एकजुट होते हैं और बहुत ही मनोयोग से काम करते हैं। आज इनका चयन हुआ है, मैं इनको शुभकामना देता हूँ और मुझे आशा है कि भविष्य में भी इनका कार्य ऐसा ही जारी रहेगा। क्या प्राथमिकताएं होंगी? कर्मचारी हित में हमेशा काम करता रहूंगा और सरकार की जो नीतियां हैं उसके लिए भी अपने कर्मचारियों के साथ उस कार्य योजना को सफल बनाएंगे। कर्मचारी के सारे सुख दुख में हमेशा अपने संगठन के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ मैं लगा रहूँगा। की मूल समस्या है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती सरकार ने बंद कर दिया है, इसके लिए प्रदेश नेतृत्व हमारा लड़ रहा है। हम सारे लोग मिलकर के पूरे प्रदेश में, हिंदुस्तान लेवल का हमारा संगठन है, हम लोग उसके लिए लड़ेंगे और जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती बंद कर दी गई है उसको भर्ती करवाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती अति आवश्यक है, चूँकि सारे कर्मचारियों विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न के बराबर रह गए हैं। मैं सरकार से निवेदन भी करूँगा
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती तत्काल की जाए।